इस सेशन में मैं बात करूंगा कि मुझे क्यूबिक जीरोस हैं, लेकिन उसमें से दो रिपीटेड है और एक डिफरेंट है, जैसे x माइनस वन और x माइनस टू होल स्क्वायर। या तो मुझे इस टाइप का ग्राफ बनाना है या इसका नेगेटिव मान लो माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन। ओके नाउ फोकस हियर, यहां पर तीन जीरोस हैं क्यूबिक के और लेकिन दो रिपीटेड है और टू टू है और एक वन है। तो सबसे पहले मैं इनको लोकेट करूंगा, वन और ये टू कर दिया। ओके इसके बाद क्या करना है, रिपीटेड का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस टेंजेंट बन जाती है, ठीक है ना। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आपको चेक करना है, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो उस केस में ये कैसे जाएगा, यहां से जाएगा और रिपीटेड जो नंबर होगा वहां पर वो क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। और ये इस टाइप से इसका लगभग नीचे जाएगा, ध्यान रखना ऐसा ग्राफ आएगा। ओके एंड यहां पर एक्स का नेगेटिव है, तो अगेन सेम अप्रोच से मैं मूव करूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले क्या है, जीरो है मेरे पास जो कि रिपीटेड है, वन है और एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो माइनस इनफिनिटी जाएगा और ये ऊपर जाएगा और यहां से ये टेंजेंट बन जाएगा। जो रिपीटेड ग्राफ होता है, जो रिपीटेड होता है वहां पर वो टेंजेंट बनता है, अगर दो रिपीटेड है तो तीन सेकंड के बीच चेंज होती है। तो ध्यान से देखिए कि अगर मुझे तीनों जीरोज मालूम है जो कि तीनों डिफरेंट है तो भी क्या है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो इनफिनिट जाएगा और एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा तो एक्स अप्रोचेस टू इनफिनिट, एक्स जब इनफिनिट की ओर जाएगा तो वाई इनफिनिट जाएगा। तो ये मुझे इसमें आता है, उसमें कोई भी डाउट, ठीक है ना। और अगर एक्स माइनस नेगेटिव की तरफ जाएगा तो ये एक्स की तरफ जाएगा, इनफिनिट की ओर जाएगा और मुझे लगता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये समझ में आ गया है। तीनों जीरो मुझे मालूम हो, जैसे y इक्वल टू एक्स माइनस वन, ये मैंने बताया है y इक्वल टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू, और तीनों डिस्टिंक्ट जीरो हो, y इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है ना। यहां पर तीन जीरोज हैं जो कि वन टू थ्री है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, लगभग कैसा ग्राफ आएगा, वन टू थ्री, ये जल्दी से आइडिया आना चाहिए। यहां पर वन रिपीटेड है और दो जीरो है वन और टू, तो ये कैसा आएगा, वन और टू और ऐसा टेंजेंट बन जाएगा। और यहां पर एक ही वन है तो वन से क्या चला जाएगा, ये वन है मेरे पास और ऐसे और एक्स क्यूब टाइप का रहेगा, इस टाइप का नेचर रहेगा। ओके तो क्यूबिक के केस में तीनों जीरो अगर हमें मालूम है, दो जीरो मालूम है अगर एक रिपीटेड है और तीनों के तीनों रिपीटेड है, तो उस केस में मैं ग्राफ्स उनके बना सकता हूं और ये कोई भी चैलेंज नहीं है और ये अच्छे से आ गया है। यहां पर दो जीरो हैं और एक डिस्टिंक्ट है तो वो टेंजेंट क्रिएट करता है वहां उस पॉइंट के लिए, और जो तीनों के लिए वैलिड है वो क्या है कि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो एक्स इनफिनिट की ओर जाएगा तो वाई माइनस इनफिनिट वाई इनफिनिट की ओर जाता है इनकेस जब एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है, और जब एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है तो एक्स इनफिनिट जाने पर वाई माइनस इनफिनिट की ओर जाता है। ओके okay?